Good morning to one and all present here. I heartily welcome all the guests to our school. A special welcome to Mr. Mohammed Abdul Qadir sir, who has completed 2023 International Coach course in UWW, United World Wrestling, Elish Belt Wrestling, which was held from 8th to 10th December in Delhi. We really appreciate your dedication and hard work, sir. You are the great source of inspiration for all our students. I request all the students to give a huge round of big applause for Abdul Qadir. I request our correspondent, sir, to please tell our students more about Mr. Abdul Qadir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You people know why we are gathered here. Alhamdulillah, हमेशा की तरह इस बार भी हाईटेक इस्लामिक स्कूल में एक एक्टिविटी जो वीकेंड पे होती है, इसी के तहत आज एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा तरीके की एक एक्टिविटी है जो फिजिकल से रिलेटेड है, और जो हमारे साथी है अब्दुल खादर साहब जिनका कोच कंप्लीट हुआ, जो हमारे कुश्तियाँ जो दंगल चलते हैं अल सिद्दीक स्पोर्ट्स अखाड़े से, जिनको बेहतरीन डिजिग्नेशन मिला है, इसी के तहत हाईटेक इस्लामिक स्कूल के स्टूडेंट तालिबा व तालिबात ने आपको मुबारकबाद के लिए यहाँ पर बुलाया है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हाईटेक इस्लामिक स्कूल को भी आपका सपोर्ट होगा, हाईटेक इस्लामिक स्कूल के भी बच्चों को भी आपका सपोर्ट होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत करता है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, जिसका दिल साफ हो, जो ईमान वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भरपूर मदद करता है। बस जरिए अगर इंसान के अंदर अच्छाई हो, अल्लाह पाक मदद करता है। अगर किसी के सामने, जाहिर सी बात है, अगर कोई पहलवानी कर रहा है या फिर किसी के पास फन है, तो जाहिर सी बात है उसका सीना 36 इंच का हो जाएगा। अब अपने आप को अगर फिट फील करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम किसी के ऊपर ज्यादती करेंगे। वैसे अगर इंसान ज्यादती करता है तो अल्लाह पाक की लाठी में आवाज़ नहीं होती, कभी भी मार पड़ती है। तो हमें चाहिए कि कुछ चीज़ें सीखना है, इसीलिए सीखना है कि जब तक कुछ चीज़ सीखेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कुछ हम समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो खामोशी एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया व आखिरत में भी कामयाब करती है। आपको पता है ना हदीस मुबारक, एक चुप 100 सुख। तो कुछ चीज़ें हम बताने पर मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बाल से ज़्यादा बारीक जो है हर चीज़ को हमें समझ कर काम करना है। अब हमारे बच्चों में थोड़े से बहुत ज़्यादा गुस्सापन है, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सापन है, उन्हें देखा भी तो रेश भाई को देखा, ये करे भी तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों को बर्दाश्त करते 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 एक ऐसी जो है जगह पे अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाता जहाँ पर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाता। तो वैसे ही हमारे बीच बहुत बेहतरीन कोच जो हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो डिजिग्नेशन मिली है मेहनतों के बाद, बड़ी मशक्कतों के बाद, तो इसीलिए जो है आप और आपकी टीम को यहाँ पर बुलाया गया, और एक पहलवान मशहूर
अफजल साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका अखाड़े का नाम मौला बख्श अखाड़ा है। इनको यहाँ पर बुलाने का मकसद यही है, आपको यहाँ पर दावत देने का मकसद यही है। अब इनसे हमें क्या फायदा होगा, थोड़ी देर के वास्ते क्या फायदा होगा? इनसे हमें ये फायदा होगा कि आप लोगों के अखलाक, आप लोगों की जो उम्र निकल गई, जो बड़े हुए, हम तो जाहिर सी बात है छोटे, आपके पास जितने अखलाक है हम जो है उसको फॉलो करेंगे, आपके पास जितने एक्टिविटीज है वो हम फॉलो करेंगे, खुदा ना खास्ता हम ऐसे बनेंगे ये हमारे मदद करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो एक दूसरे के गेट टूगेदर होंगे, करीब होंगे, एक दूसरे में रिलेशन आएगा, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की कामयाबी होगी और हमारी कामयाबी अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हम सुने कई सारे जो है अहादीस मुबारक सुने, अमल भी जो है करे, बाज़ औक़ात कभी जो है जहन से निकल जाता या फिर बाज़ औक़ात हम भूल जाते। क्यों भूल जाते? एक स्पोर्ट्स पर्सन हमारे पास भी है स्कूल में, वो MMA थाई बॉक्सिंग यहाँ पर मौजूद है, थाई बॉक्सिंग को जाता बच्चा। अब ऐसा हो गया कि जो है वो मारने पे तुले हुए, लड़ने पे तुले हुए, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें भी हमारे डिग्निटीज आपको समझाएंगे कि अगर एजुकेशन के साथ साथ भी क्या जरूरी है, एजुकेशन के साथ साथ भी क्या होना जरूरी है, एजुकेशन हासिल करते हुए भी अदर एक्टिविटी स्पोर्ट्स में कहाँ तक पहुँचना चाहिए, इंशाल्लाह जो है एक एक हमारे डिफिनेटिव पे आप लोग को समझाएंगे बगौर फिक्र। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल खादर साहब का, उनकी टीम का, जो यहाँ पर अपने टीम के वक्त दिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ कि जो है अल्लाह पाक की तरफ से आपको अच्छी